एक दोस्त को लेना उसके घर से। चलो मिलते हैं। पहला स्टॉपेज ले लिया है सबवे, यहाँ थोड़ा नाश्ता करेंगे फिर आगे निकलेंगे। बाबा के दर्शन करें, सबसे बड़ी प्रतिमा हरिद्वार के अंदर। जय भोले बाबा। क्लियर बनी लेनी ऋषिकेश 22 किलोमीटर रह गया।
मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है, लगता है बारिश आएगी। ये भाई हरिद्वार से निकलते ही होगी बारिश शुरू। हम पहुंच चुके हैं यहाँ ऋषिकेश। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, बस आगे कहीं लैंडस्लाइडिंग ना मिले, नहीं तो वो मिल गई तो हमें रुकना पड़ जाएगा कहीं ट्रैफिक में। यहाँ से ऊपर से रास्ता काफी बढ़िया झरना है, कभी जाओ तो इसमें से जाके देखो, है 2-3 किलोमीटर के आसपास है। ये ऋषिकेश पार कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं गौरीकुंड के लिए। क्या सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, देखो कितने सुंदर पहाड़, हरियाली। बारिश हुई थी अभी यहाँ थोड़ी देर पहले, अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी है। पैदल चलने का भी मजा ही कुछ हो रहा है पहाड़ों में। ये देखो नजारे। खाना खाने के लिए रुके हम यहाँ पे गणपति भोजनालय। दो नदियों का संगम है, ये अलकनंदा ये भागीरथी, दोनों का संगम हो रहा है। दोनों के संगम से ही गंगा बनती है जो ये सीधी हरिद्वार जा रही है। दोबारा बता देता हूँ, ये अलकनंदा ये भागीरथी ये बन रही गंगा। हम जल्दी से रोड पार करते हैं और चलते हैं आगे। रात हो चुकी है गाइस, सुबह मिलते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे अपना। सबा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।
गौरीकुंड 19 किलोमीटर यहाँ से। ये सोन प्रयाग की पार्किंग। ये सोन प्रयाग पार्किंग है, ठीक है। ये अपने बंटी भाई, ये अपना मोंटी वन, ये भाई अपना मोंटी टू। अब अगला ब्लॉग बनाएगा ट्रैकिंग का, उसमें मिलते हैं हम आपसे, ठीक है गाइस, बाय। भाई भी पूरी ब्लॉगिंग कर रहा है, ये अपना मोंटी टू भाई, जय बाबा की। तो गौरीकुंड पहुंच गए भाई, यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह अपना करवा के आए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपसे, ट्रैकिंग का ब्लॉग बनाएंगे नेक्स्ट, बाय।